10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य में हर महीने अब 100 यूनिट फ्री बिजली सबको मिलेगी, यानी किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। साथ ही 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि पहले सिर्फ कॉमर्शियल कनेक्शन वालों को ही मुफ्त बिजली मिलती थी, लेकिन अब हर कैटेगरी के कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। 10 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। पहलवानों के समर्थन में आज महापंचायत मुजफ्फरनगर के सोरम में सर्व खाप पंचायत का आयोजन करेगी। खाप पंचायत में खापों के चौधरी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को लेकर खाप के चौधरी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। महापंचायत में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की विभिन्न खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य चल रहे पहलवानों के विरोध में आगे की रणनीति तय करना है। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों के समर्थन में आज टीएमसी कैंडल मार्च निकालेगी। आपको बता दें कि पहलवानों को ममता और उद्धव का समर्थन मिला है। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। पहलवानों के धरने पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। कहा है कि मामले की जांच चल रही है, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। जंतर मंतर पर 28 मई को रेसलर्स के साथ हुई बदसलूकी के बाद पूरे देश में महिला पहलवानों के प्रदर्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। हाल ही में पहलवान मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवान मान गए। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के पीएम आज सीमा विवाद पर आमने सामने बात करेंगे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों देशों की बातचीत में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। कल एनएसए अजीत डोभाल से मिले थे नेपाल के पीएम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड का ये चौथा भारतीय दौरा है। खबर है कि आज पीएम मोदी और प्रचंड भारत नेपाल सीमा पर यूपी के पहले लैंड पोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। और 10 बजे की पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। तो वहीं कल 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिलेंगे। आपको बता दें कि इस समय मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने देश भर के विपक्षी नेताओं से केजरीवाल मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं। विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने देश भर से गैर बीजेपी राज्यों का दौरा कर रहे हैं केजरीवाल। और 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। हिंसा प्रभावित मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का आज चौथा दिन है। दौरे के आखिरी दिन आज शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस में शाह मणिपुर के हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। कल शाह ने इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया था, जहां मेईती समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। कहा मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी, जल्द ही लोगों की घरों में वापसी होगी। इसके अलावा शाह ने कुल, आपको बता दें कि कल कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की और शांति बहाली की बातचीत की गई थी। 10 बजे के साथ भी ब्रेकिंग न्यूज। अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गहलोत पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि गहलोत सरकार के रिमोट कंट्रोल वाली सरकार, उसको बताया जा रहा है कांग्रेस पर हर विकास परियोजना में 85% कमीशन लेने का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाने की गारंटी का वादा कर धोखा दिया है। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस में भ्रष्टाचार इतना था कि राजीव गांधी को कहना पड़ा कि 100 पैसे भेजने पर 15 पैसे जनता तक पहुंच पाते थे। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। कॉमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में आज बड़ी कटौती देखने को मिली है। 83.5 रुपए सस्ता हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। दाम में कटौती के बाद अब नई दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए हो चुकी है। इससे पहले 1 मई 2023 को भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 172 रुपए की कटौती की गई थी। आपको बता दें कि पिछले महीने कॉमर्शियल गैस प्राइस 1856.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गए थे। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 1103 रुपए बना हुआ है। 10 बजे की नौवीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के कृष्णा नगर में फ्लैट से 2 शव मिले हैं और चोट के निशान भी शव पर पाए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि उनकी हत्या की गई है। दरअसल घटना कृष्णा नगर के ई ब्लॉक की है। यहाँ एक फ्लैट से आ रही बदबू को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खोला, 2 शव पड़े हुए मिले। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। और 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार